तो जयपुर पुलिस की ये बड़ी सफलता रही। जयपुर से एक और बड़ी खबर, पटवारी भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। अब 5,378 पदों पर पटवारी भर्ती परीक्षा होगी। परीक्षा पहले 4,421 पदों पर भर्ती होगी और इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया। कर्मचारी चयन बोर्ड ने, आपको बता दें, संशोधित भर्ती विज्ञप्ति जारी कर दी है। 5,378 पदों पर वर्गवार और जिलेवार वर्गीकरण जारी किया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ललित जुड़े हैं। ललित, बताइए पूरी खबर। बिल्कुल, प्रदेश के उन बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है जो पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। पहले जहां ये भर्ती 4,421 पदों पर आयोजित होनी थी, तो अब ये भर्ती 5,378 पदों पर आयोजित होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इसकी संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 23 और 24 अक्टूबर को 4 चरणों में इस परीक्षा का आयोजन होगा। प्रत्येक दिन दो चरणों में इस परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा को लेकर बोर्ड की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तकरीबन 900 और पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही जिन विभागों की ओर से अनुशंसा भेजी गई थी, वो अनुशंसा भी बोर्ड को प्राप्त हो गई है, जिसके बाद जिलेवार जो जितने भी वर्गवार और जिलेवार वर्गीकरण किया गया है पदों का, उसकी पूरी संक्षिप्त विज्ञप्ति भी बोर्ड की ओर से जारी कर दी गई है। ऐसे में पटवारी भर्ती परीक्षा अब 5,378 पदों पर होगी और बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि तकरीबन 16 लाख आवेदन बोर्ड को इस परीक्षा के लिए हुए हैं। तो ऐसे में अब जो बेरोजगार हैं प्रदेश के उनके लिए बड़ी खबर है कि इसमें करीब 900 और पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। ललित, जो पदों की संख्या बढ़ाई गई है, उसके पीछे की वजह क्या रही? क्या जो पिछले दिनों मुलाकात भी हुई उपेंद्र यादव की मुख्यमंत्री की, और कई सारे लोग भी आवाज बुलंद कर रहे थे, इवन अभी धरना भी चल रहा है शहीद स्मारक पर। अगर आपको बताएं कि जब पटवारी भर्ती परीक्षा निकाली गई थी, उसके बाद से कोरोना का काल शुरू हो गया था। तकरीबन 2 साल का समय हो गया है। 2 साल में ऐसे में जो पटवारियों के पद हैं वह खाली हुए हैं। खाली पदों को संख्या को ध्यान में रखते हुए ही हर जो भर्ती है वह आयोजित करवाई जाती है। जब भर्ती विज्ञप्ति निकाली गई थी, तब 4,421 पदों पर को भरने की आवश्यकता थी, लेकिन अब 2 साल का एक लंबा अंतराल हो गया है, तो ऐसे में जो पद बिल्कुल खाली, बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट देने के लिए।